बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अरेबिक रेसिपी है जिसे कि शोरबा कहते हैं। तो जो कि बनता है दलिया और चिकन से या मटन से या बीफ, आप किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ दलिया होती है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए ये कुकर में ऑयल डाल दिया है और ये गर्म हो चुका है। तो ऑयल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, और अब हम इसमें डाल देंगे ये एक छोटी प्याज काट करके रखी हुई है ऑमलेट में, ये डाल देते हैं। तो ये शोरबा जो है ये अरब में अफ्तार में जो है ये बहुत ही शौक से लोग खाते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा हल्का से बिल्कुल पिंकिश का करेंगे, इससे ज़्यादा रेड कलर का नहीं करना है। तो देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं ये कुछ खड़े मसाले हैं। तो ये एक तेज़पत्ता है, थोड़ी सी हमने काली मिर्च ली है, 2 छोटी इलायची और एक छोटा टुकड़ा लाल चीनी का है और 2 से 3 लौंग हैं। तो ये सब हम इसमें डाल देंगे। डाल के हमें हल्का सा भून लेना है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये 250 ग्राम चिकन है, तो अब हम ये डाल देंगे इसमें। तो गोश्त मैंने भून लिया है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे भूनना है। अब इसमें हमने ले लिया है 1/4 टीस्पून अदरक पेस्ट और 1/4 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं 1/4 टीस्पून ये हल्दी का पाउडर है, और बिल्कुल ज़रा सा हम मिर्चा डालते हैं क्योंकि ये मिर्चा बहुत तेज़ वाला है और हरी मिर्च भी इसमें जाएगी। और हम इसमें 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, और अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल करके थोड़ा सा हमें इसको भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर, जो कि एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, तो ये हम डाल देते हैं। और अब इसमें जाएगा नमक। तो देखिए हम इतना नमक डाल देते हैं, जितना भी आप नमक हैं उस हिसाब से डालें। अब हम इसमें डाल देते हैं ये 1 कप दलिया है, जो कि भुनी हुई नहीं है, बगैर भुनी हुई है। तो अब हम ये डाल देते हैं इसमें। तो व्यूअर्स, जिस किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मुझे 1 टाइम सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और ये देखिए साथ ही साथ ये शोरबा बन के रेडी हुई हो रहा है, और इसमें अब सारी चीज़ें जा चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, जो कि हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि अभी दलिया फूलेगी इसमें। और थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे, और थोड़ी हम बाद में डालेंगे। तो ये 2 हरी मिर्चें हैं, ये हम डाल दिए, मैंने डाल दी। अब हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। तो देखिए इसमें मैंने अच्छा खासा पानी डाला है, यानी कि ये वाले 2.5 मग मैंने इसमें पानी डाला है। तो चलिए अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे 1 सीटी आने देते हैं, उसके बाद 10 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये दलिया और गोश्त गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी सारी बोटियाँ जो हैं ये हम निकाल लेते हैं अलग, और इसको हम रेशा इसका निकालेंगे बोटियों का। तो देखिए ये श्रेडेड चिकन जो है ये अब हम इसमें डाल देते हैं। और अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो देखिए ये बहुत मज़ेदार सा सूप बन करके रेडी हो चुका है, और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए मज़ेदार सा शोरबा बन के रेडी हो चुका है, और अब हम इसमें क्या करेंगे कि ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे। तो ये रेसिपी जो है ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज दलिया गोश्त यानी कि शोरबे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें,
और दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।